قلب و زباں سے فرض عقیدت ادا کریں توفیق اے خدا دے ہمیں اپنے کرم سے ہم نام پہ حسین کے خود کو فدا کریں سنو یہ داستاں ہے فاطمہ زہرا کے لالوں کی سنو یہ داستاں ہے فاطمہ زہرا کے لالوں کی علی کی آل اطہر اور نبی کے نو نہالوں کی علی کی آل اطہر اور نبی کے نو نہالوں کی علی کی آل اطہر اور نبی کے نو نہالوں کی سنو یہ داستاں ہے فاطمہ زہرا کے لالوں کی سنو یہ داستاں ہے فاطمہ زہرا کے لالوں کی سنو یہ داستاں ہے فاطمہ زہرا کے لالوں کی علی کی آل اطہر اور نبی کے نو نہالوں کی علی کی آل اطہر اور نبی کے نو نہالوں کی علی کی آل اطہر اور نبی کے نو نہالوں کی چلے مکے سے کوفے کی طرف جب لال حیدر کے عزیز و اقربا سب ساتھ تھے سبتے پیغمبر کے جماعت جب چلی گھر سے نکل کر شاہ بطحا کی تو نکلی چیخ منہ سے لاڈلی بیمار سورا کی پکاری مجھ سے بابا کس لیے رخ موڑے جاتے ہو مجھے کس کے سہارے گھر میں تنہا چھوڑے جاتے ہو حسین ابن علی نے چشم نم ہو کے یہ فرمایا میری بیٹی تیرے اوپر ہے بس اللہ کا سایہ سفر ہے دور کا اور بہت بیمار ہے بیٹی تیرا بابا حسین اب اس لیے لاچار ہے بیٹی کہا صغرا نے ایسی کیا ضرورت پیش آئی ہے گوارا تم کو اس بیمار بیٹی کی جدائی ہے کہا بیٹی ہمیں اب ہاشمی جوہر دکھانا 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 ہے مٹا جاتا ہے دین مصطفیٰ اس کو بچانا ہے مٹا جاتا ہے دین مصطفیٰ اس کو بچانا ہے مٹا جاتا ہے دین مصطفیٰ اس کو بچانا ہے
जा बेटी, हमें अब हाशमी जौहर दिखाना है। मिटा जाता है दीन मुस्तफा, उसको बचाना है। आप क्या कहते हैं अपनी बेटी से? अगर हम इस घड़ी जाने से मुंह अपना छुपाएंगे, यजीदी लोग हमको उम्र भर ताने सुनाएंगे। मेरी लखते जिगर दिल पे कोई सदमा ना आने दे, अगर प्यारा है दीने मुस्तफा तो हमको जाने दे। ये सुनकर बोली सुगरा, दीन पर जब आंच आई है तो जाओ अब गवारा, आपकी हमको जुदाई है। जो मुश्किल आ पड़ेगी वो खुशी से हम उठा लेंगे, नबी के नाम पर हम जान की बाजी लगा देंगे। कोई ताने सुनाएगा हमें कैसे जमाने में, कोई ताने सुनाएगा हमें कैसे जमाने में, कोई ताने सुनाएगा हमें कैसे जमाने में, कोई ताने सुनाएगा हमें कैसे जमाने में। कोई बच्चा नहीं बुजदिल मोहम्मद के घराने में, कोई बच्चा नहीं बुजदिल मोहम्मद के घराने में, कोई बच्चा नहीं बुजदिल मोहम्मद के घराने में। सदा गूंजी ये सुनकर जोर से अल्लाह अकबर की, जमात चल पड़ी कूफे को फिर सिबते पैगंबर की। हुसैन बुने अली के लश्करी क्या शान वाले थे, नहीं थी जान की परवाह उन्हें ईमान वाले थे। सफर तय कर रहे थे वो बड़ी दुश्वार राहों से, मगर ना आशना थे होंठ सबके गम की आहों से। जनाब बुने अली ने पहले से मुस्लिम को भेजा था कि जाकर देख लो क्या हाल है इस वक्त कूफे का। खबर भेजी थी कूफे ने किया अहदे वफादारी, यजीदी सल्तनत से है सभी को सख्त बेजारी। जरूरत है कि आकर दीन को मजबूत फरमाएं, तमन्ना सबकी है ये आप बस तशरीफ ले आए। करीबे कूफा जब पहुंचे तो ठहरा काफिला उनका, थके हारे थे सब लेकिन जवां था हौसला उनका। लगाए सबने खेमे एक मैदान में करीने से, जो सूरज ढल गया तो फिर अमा भीगा पसीने से। इबादत में हुए मसरूफ सारे काफले वाले, इबादत में हुए मसरूफ सारे काफले वाले, इबादत में हुए मसरूफ सारे काफले वाले, इबादत में हुए मसरूफ सारे काफले वाले। बरसते थे हंसी चेहरों पे उनके नूर के झारे, बरसते थे हंसी thank you।
हुए मसरूफ सारे काफले वाले बरसते थे हसीन चेहरों पे उनके नूर के झाले। इस तरीके से हजरत इमाम अली मकाम सफर करने के बाद करबला शरीफ में पहुंच गए। लेकिन उसके बाद क्या होता है समाप्त कीजिएगा। इबादत से हुए फारिग तो कूफे की तरफ देखा, गुबार उड़ता नजर आया तो समझे नामा बर आया। हुआ जब चाक पर्दा धूल का तो एक सवार आया, हुसैन इब्ने अली ने पास जब आया तो ये पूछा, बताओ हाल कूफे का, कहो मुस्लिम तो अच्छे हैं, उन्हें देखा है तुमने खैरियत से उनके बच्चे हैं। कहा ये आह भर कर उसने बस अब सब्र फरमाए, इरादा छोड़ दे कूफे का वापस घर चले जाएं। वफा का अहद तोड़ा जब डराया उनको हाकिम ने, रहे सब देखते कूफी शहादत पाई मुस्लिम ने। यजीदी फौज के मुखबिर बने और हक से मुंह मोड़े, जो दो फरजंद थे मुस्लिम के वो जिंदा नहीं छोड़े। हुसैन इब्ने अली को सुन के ये सदमा हुआ भारी, लगी जब चोट दिल पर आंख से आंसू हुए जारी। खबर खेमे में जब पहुंची वहां एक हश्र बरपा था, शहादत हजरत मुस्लिम की सुनकर दिल तड़पता था। कहा बीबी ने कूफा जाके हम भी सर कटाएंगे, कहा बीबी ने कूफा जाके हम भी सर कटाएंगे, कहा बीबी ने कूफा जाके हम भी सर कटाएंगे, कहा बीबी ने कूफा जाके हम भी सर कटाएंगे। गए जन्नत में वो तो हम भी उनके पास जाएंगे, गए जन्नत में वो तो हम भी उनके पास जाएंगे, गए जन्नत में वो तो हम भी उनके पास जाएंगे। सबने खेमे और की चलने की तैयारी किया, हजरत ने कूफे की तरफ अपना सफर जारी। लगाया राह चलने वालों पे फिर धूप ने पहरा, तो लश्कर आपका फिर दूसरे दिन एक जगह ठहरा। नमाज़े ज़ुहर पढ़ के सबने कूफे की तरफ देखा, नजर आया कि लश्कर आ रहा है सामने हुर का। इधर से भी संभाले सबने अपने बरछियां भाले, इधर से भी संभाले सबने अपने बरछियां भाले, उधर से भी संभाले सबने अपने बरछियां भाले, उधर से भी संभाले सबने अपने बरछियां भाले। होशियार एकदम सब हुसैनी काफले वाले, हुए होशियार एकदम सब हुसैनी काफले वाले, हुए होशियार एकदम सब हुसैनी काफले वाले।
इधर से भी संभाले, सबने अपने बर्छियां भाले, हुए होशियार एकदम सब हुसैनी काफले वाले। अब घुर अपना लश्कर लेके आ जाता है, किस तरह से ये सवाल जवाब होते हैं समाप्त कीजिएगा। वो लश्कर सामने कुछ दूर आकर एकदम ठहरा, न सब अपने किए खेमे लगाया, हर तरफ पहरा। जो था सालारे लश्कर उसने कुछ लश्कर को समझाया, अदब से फिर हुसैन इब्ने अली के सामने आया। सलामी आपको दी पहले उसने सर बखम होकर, कहा फिर आजिजी के साथ हुर ने चश्म नम होकर। मैं अफसर हूँ यजीदी फौज का, ये हुक्म है मुझको, हुसैन इब्ने अली को लौट कर वापस ना जाने दो। मगर मैं जानता हूँ आप ऊंची शान वाले हो, नबी के लाडले हो, फातिमा ज़हरा के पाले हो। ये मेरा मशवरा है, आग लश्कर में ना जलवाएं, अंधेरी रात में चुपके से मक्के को निकल जाएं। सुबह को दूसरी जानिब मैं लश्कर लेके जाऊंगा, ये सारा राज मैं हर गिजना लश्कर को बताऊंगा। किया ऐसा ही लेकिन शब तक बस यही पाया, सहर को लौट कर सब काफला वापस वहीं आया। जो मिट्टी सूंघ कर देखी तो बोले अब न जाएंगे, जो मिट्टी सूंघ कर देखी तो बोले अब न जाएंगे, जो मिट्टी सूंघ कर देखी तो बोले अब न जाएंगे, जो मिट्टी सूंघ कर देखी तो बोले अब न जाएंगे। यही है करबला खेमे यही अपने लगाएंगे, यही है करबला खेमे यही अपने लगाएंगे, यही है करबला खेमे यही अपने लगाएंगे। लगाए आपने खेमे उसी मैदान के अंदर, उमर सादा गया फिर सामने फौजे गिरा लेकर। फिर उसने नहर के साहिल पे फौरन पहरे बिठलाए, कहा इब्ने अली का आदमी पानी ना पी पाए। मुहर्रम की नवी तारीख को हजरत से ये बोला, यहाँ आने का तुमने राज कोई भी नहीं खोला। यजीद अच्छा खलीफा है, करो बैत सुकून पाओ, नहीं ये बात जो मंजूर तो फिर जंग को आओ। कहा इब्ने अली ने जंग से मैं डर नहीं सकता, यजीद अच्छा नहीं बैत मैं उसकी कर नहीं सकता। मगर हाँ आज का दिल मुल्तवी रखो तो अच्छा है, मेरी तमाम हुज्जत को अगर समझो तो अच्छा है। उमर सादाप के कहने पे उस दम हो गया राजी, नमी तारीख को उसने लड़ाई मुल्तवी कर दी। हुसैन इब्ने अली ने दसवीं शब काटी इबादत में, इरादा कर लिया पानी पिएंगे जाके जन्नत में। इला
में तो हौसला दे रहा है हक में सर कटाने का, हमें तो हौसला दे रहा है हक में सर कटाने का, हमें तो हौसला दे रहा है हक में सर कटाने का। हुआ फिर जंग का ऐलान जो दसवीं मुहर्रम को, यजीदी फौज के सरदार बोले जंग को आओ, हुसैन बुने अली ने जाके फिर तमाम हुज्जत की, ना कुछ खाने को मांगा और ना पानी की शिकायत की, कहा हजरत ने देखो मेरा कहना मान जाओ तुम, बनो जन्नत के तालिब खुद को दोजख से बचाओ तुम, ये दुनिया आरजी है जिंदगी का क्या भरोसा है, यजीदी जुल्म का अंजाम क्या होगा ये सोचा है, नबी का लाडला हूँ मेरा रुतबा जानते हो तुम, मेरी माँ फातिमा है कौन हूँ पहचानते हो तुम, यजीदी जुल्म की लालच में तुम ताईद करते हो, मोहम्मद मुस्तफा के कौल की तरबीद करते हो, इतात मुस्तफा की फर्ज है कुरान कहता है, जरा सोचो रसूल अल्लाह का फरमान कहता है, तकब्बुर छोड़ दो और साहिबे इसार बन जाओ, 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 हमारी मान लो जन्नत के तुम हकदार बन जाओ, हमारी मान लो जन्नत के तुम हकदार बन जाओ, हमारी मान लो जन्नत के तुम हकदार बन जाओ। सोच लो दोनों जहां में कुछ ना पाओगे, यहां रुसवाई होगी और वहां दो जख्म में जाओगे, वो जालिम सुन के बातें आपकी बिल्कुल ना शर्माए, हुसैन बुने अली फिर अपने खेमे पर पलट आए, मगर तकरीर सुनकर आपकी सरदार एक निकला, हुसैन बुने अली के पांव चूमे और फिर रोया, कहा आका मुझे ले लीजिए अपनी गुलामी में, ये सर लाया हूँ नजराने में कलबो जा सलामी में, खताएं दर गुजर कर दो मेरी रन की इजाजत दो, सखी इबने सखी हो भीख में मुझको शहादत दो, ये सुनकर आपने हुर से कहा अच्छा इजाजत है, जहे किस्मत तुम्हारी मुंतजर अल्लाह की जन्नत है, ये सुनकर चल दिए रन में दिखाया फन शुजात का, हुई पूरी तमन्ना पा लिया दर्जा शहादत का। इस तरीके से हुर की शहादत होती है, उसके बाद और किस किस की शहादत होगी ये आप आगे सुनते जाइएगा।
इसी सूरत से बारी बारी फिर सबने इजाजत ली। शुजात की दिखाई शान और जागीरे जन्नत ली। यही सबकी तमन्ना थी के हम भी सर कटाएंगे। यही सबकी तमन्ना थी के हम भी सर कटाएंगे। यही सबकी तमन्ना थी के हम भी सर कटाएंगे। यही सबकी तमन्ना थी के हम भी सर कटाएंगे। मोहम्मद मुस्तफा के दीन पे कुर्बान जाएंगे। मोहम्मद मुस्तफा के दीन पे कुर्बान जाएंगे। मोहम्मद मुस्तफा के दीन पर कुर्बान जाएंगे। यही सब की तमन्ना थी के हम भी सर कटाएंगे। सब की तमन्ना थी के हम भी सर कटाएंगे। यही सब की तमन्ना थी के हम भी सर कटाएंगे। मोहम्मद मुस्तफा के दीन पे कुर्बान जाएंगे। 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 हजरत सुनिएगा आगे क्या होता है कर्बला में पुर की शहादत के बाद। अजब था कर्बला का हाल उस दम सख्त गर्मी थी। जमीने कर्बला पर आग की बदली बरसती थी। हुसैन इब्ने अली ने उफ़ना की सुजुल्म बेहद पर के पानी तीन दिन से बंद था आले मोहम्मद पर। फंसी थी जान मुश्किल में सभी अल्लाह वालों की। जुबानें खुश्क थी खैर उन्निसा के नौनिहालों की। सकीना लाडली बोली के बाबा है परेशानी, हमें पीने की खातिर नहर से मंगवाई ये पानी। बड़ी हसरत से अपनी लाडली को आपने देखा। जनाबे इब्ने हैदर ने तभी अब्बास को भेजा। गए मशकीजा लेकर जिस घड़ी अब्बास दरिया पर, तो घेरा आपको एकदम यजीदी फौज ने आकर। मगर उस शेर ने दरिया से फिर भी भर लिया पानी। बढ़े चारों तरफ से तीर लेकर जुल्म के बानी। लिया नरगे में और चारों तरफ से तीर बरसाए। दिलेरी से बड़े अब्बास तीरों से ना घबराए। हुए तीरों से जख्मी बढ़ गई उस दम परेशानी। हुए तीरों से जख्मी बढ़ गई उस दम परेशानी। हुए तीरों से जख्मी बढ़ गई उस दम परेशानी। हुए तीरों से जख्मी बढ़ गई उस दम परेशानी। के जब छलनी हुआ मशकीजा सारा बह गया पानी। के जब छलनी मशकीजा सारा बह गया पानी। के जब छलनी हुआ मशकीजा सारा बह गया पानी।
अब्बास अलमदार पानी लेने जाते हैं, हुए तीरों से जख्मी बढ़ गई उस दम परेशानी, कि जब छली हुआ मशकीजा सारा बह गया पानी। लेकिन उसके बाद क्या होता है, बढ़े अब्बास फिर तलवार लेकर फौजे दुश्मन पर, सरों पर सर गिरे कट कर तो फिर घबरा गया लश्कर, किए फिर जालिमों ने बार कुछ पीछे से छुप छुप कर, यकायक कट गया फिर आपका एक बाजुए अनवर, अलम था में रहे गर्दन से और लड़ते रहे फिर भी, बिलाखिर हो गई पूरी जो हसरत थी शहादत की, हुसैन बुने अली फिर लाश कौन की उठा लाए, वो उनको दफन करके अपने खेमे पर चले आए, कहा ज़ैनब ने आकर इस तरह मा जाए भाई से, खुदा की राह में कुछ काम लो मेरी कमाई से, मेरे आमो मोहम्मद किस घड़ी फिर काम आएंगे, इजाजत दो उन्हें वो जंग के मैदान में जाएंगे, कहा हजरत ने प्यारी बहन किस हद से गुजरती हो, तुम अपने फूल से बच्चों को भी कुर्बान करती हो, कहा ज़ैनब ने सदका देते हैं इंसान मुसीबत में, निछावर कर रही हूँ आज तुम पर अपनी दौलत में, करम कर दो के पूरे बहन के अरमान हो जाए, करम कर दो के पूरे बहन के अरमान हो जाए, करम कर दो के पूरे बहन के अरमान हो जाए, करम कर दो के पूरे बहन के अरमान हो जाए, तुम्हारे नाम पर बच्चे मेरे कुर्बान हो जाए, तुम्हारे नाम पर बच्चे मेरे कुर्बान हो जाए, तुम्हारे नाम पे बच्चे मेरे कुर्बान हो जाए। हजरत अब्बास अलमदार की शहादत के बाद हजरत ज़ैनब कहती हैं कि ये मेरे बच्चे दोनों औन व मोहम्मद किस दिन काम आएंगे, करम कर दो कि पूरे बहन के अरमान हो जाएं, तुम्हारे नाम पर बच्चे मेरे कुर्बान हो जाएं। लेकिन आगे क्या हुआ सुनिएगा, बिलाखिर मिल गई उनको इजाजत रन में जाने की, तमन्ना हो गई उनकी भी पूरी सर कटाने की, शुजात की दिखाकर शान कुर्बान हो गए दोनों, खुदा के फजल से जन्नत बदामा हो गए दोनों, इमाम अली मकाम उनको भी हिम्मत से उठा लाए, जमीने करबला तप हुई में दोनों दफनाए, पलट कर आए तो खेमे में पाया भाई का बेटा, कहा तुम कैसे आए हो भतीजा, इस तरह बोला, मेरे बाबा हसन ने आखिरी दम मुझसे फरमाया, मेरे भाई से हरगिज मुँह कभी मत मोड़ना बेटा, मुसीबत आ पड़े तो जान की बाजी लगा देना, अली शेरे खुदा की शान दुनिया को दिखा देना, इजाजत दो चचारन की सखावत अपनी दिखला दो, भतीजे को खुदा की राह में कुर्बान फरमा दो, ये सुनकर आपको सदमा हुआ फिर सब्र फरमाया,
बड़े भाई हसन की याद आई, रो के फरमाया मनाना जान की उम्मत की खातिर सब्र करता हूँ, मनाना जान की उम्मत की खातिर सब्र करता हूँ, मनाना जान की उम्मत की खातिर सब्र करता हूँ, मनाना जान की उम्मत की खातिर सब्र करता हूँ। मोहम्मद के चमन का फूल ये भी नजर करता हूँ, मोहम्मद के चमन का फूल ये भी नजर करता हूँ, मोहम्मद के चमन का फूल ये भी नजर करता हूँ। बहुत खुश हो गए कासिम इजाजत लेके मैदान की, दुआएं लेके रन को चल दिए फूफी की अम्मा की, कराया जाके फिर अपना तारुफ उन लाइनों को, नहीं माने तो फिर जौहर दिखाया बद यकीनों को, गिरी लाशों पे लाशें जंग में एक आन के अंदर, गिरे कट कट के सर भग दड़ मची मैदान के अंदर, बिलाखिर लड़ते लड़ते पा लिया दर्जा शहादत का, खुला फिर उनके इस तकबाल को दरवाजा जन्नत का, हसन के चांद को फिर करबला की गोद में देकर, बइस्तक़लाल हजरत आ गए फिर अपने खेमे पर, इरादा कर लिया खुद आपने जबरन में जाने का, कहा सैनब से आया वक्त अब जौहर दिखाने का, इरादा कर लिया खुद आपने जबरन में जाने का, कहा ज़ैनब से आया वक्त अब जौहर दिखाने का, जो फरमाइश तुम्हारी थी वो पूरी हो गई ज़ैनब, कमाई उम्र भर की करबला में सो गई ज़ैनब। सुनो मां जाई मेरी हौसला एक और दिखला दो, सुनो मां जाई मेरी हौसला एक और दिखला दो, सुनो मां जाई मेरी हौसला एक और दिखला दो, सुनो मां जाई मेरी हौसला एक और दिखला दो, के अपने भाई को भी तुम इजाजत रन की फरमा दो, के अपने भाई को भी तुम इजाजत रन की फरमा दो, के अपने भाई को भी तुम इजाजत रन की फरमा दो। ये सुनकर रो पड़ी ज़ैनब, कहा ठहरो मेरे भाई, अभी तो है अली अकबर शहादत के तमन्नाई, पड़े हैं मेरे पीछे कहते हैं बाबा से तुम कह दो, हमारी भी तमन्ना है हमें भी भेज दे रन को, अभी इतना कहा था कि अली अकबर निकल आए, गिरे कदमों पे बाबा के जुबां पर लफ्ज ये लाए, जवां बेटा रहे खेमे में वालिद जंग को जाए, भला दुनिया कहेगी क्या मुझे ये गौर फरमाए, उदारा अब मुझे रन की इजाजत दीजिए बाबा,
मुझे भी सुरखुरु अपने कर्म से कीजिए बाबा। मुझे फूफी ने और अम्मी ने उल्फत से नवाजा है, करोगे तुम भी अब नजरे इनायत ये भरोसा है। कहा हजरत ने अच्छा जब तुम्हारी ये तमन्ना है, तुम्हारा बाप तुमको भी इजाजत रन की देता है। ये सुनकर हो गए खुश और बाबा को सलामी दी, शहादत के नशे में झूम के रन के हुए राही। फरिश्ते कह उठे अब तो कलेजा मुंह को आता है, फरिश्ते कह उठे अब तो कलेजा मुंह को आता है, फरिश्ते कह उठे अब तो कलेजा मुंह को आता है, फरिश्ते कह उठे अब तो कलेजा मुंह को आता है। के हम शक्ले नबी अब सर कटाने रन को जाता है, के हम शक्ले नबी अब सर कटाने रन को जाता है, कि हम शक्ले नबी अब सर कटाने रन को जाता है। तेज के जौहर हिलाया सारे लश्कर को, उदा की राह में कटवा दिया फिर आपने सर को। शहादत की खबर पाकर हुसैन बुने अली खुश थे, उदा की हमद की और शुक्र का सजदा बजा लाए। गए मैदान में और लाश बेटे की उठा लाए, दे करबला करके वो फिर तशरीफ ले आए। कहा ज़ैनब ने फिर इब्ने अली से, ऐ मेरे भाई जरूरत ऐसी मुश्किल में हमें एक पेश है आई। अली असगर का अब सूखा गला देखा नहीं जाता, जरा सा पानी मिल जाता तो वो तस्कीन कुछ पाता। यजीदी अफसरों के भी तो घर में बाल बच्चे हैं, जरा सा पानी वो दे देंगे तुम ले जाओ लश्कर में। कहा इब्ने अली ने आप कहती हैं तो जाता हूँ, मुझे उनसे नहीं उम्मीद लेकिन आजमाता हूँ। ये कहकर ले लिया आगोश में नन्हे से असगर को, दिखाए खुशकुलब बच्चे को उस लश्कर के अफसर को। कहा बच्चे से क्या है दुश्मनी पानी पिला दीजिए, मिलेगा जाम कौसर प्यास बच्चे की बुझा दीजिए, मिलेगा जाम कौसर प्यास बच्चे की बुझा दीजिए, मिलेगा जाम कौसर प्यास बच्चे की बुझा दीजिए। ये सुनकर जालिमों ने जोर से एक तय कहा मारा, कहा बैत करो मंजूर तो हो जाएगा ऐसा। जवाब उनको दिया इब्ने अली ने, हम कयामत में सिफारिश करके नाना से तुम्हें भेजेंगे जन्नत में।
ये सुनकर उर्मिला ने तीर एक ऐसा भी कुमारा, गला जख्मी हुआ बच्चे का फूटी खून की धारा, गले को पार करके आपका जख्मी किया बाजू, खुशी का गलगला होने लगा उस फौज में हर सू, अली असगर को लेकर आप खेमे पर चले आए, कहा ज़ैनब से लो असगर को हम सैराब कर लाए, जो देखा शहर बानों और ज़ैनब ने अली असगर, कलेजा थाम कर बोली इसे दफनाओ अब जाकर, उजाड़ी जालिमों ने गोद मेरी शहर बानों की, जरा सी जिंदगी को आकीबत अपनी मिटा डाली, शहादत मेरे बच्चे की यकीनन रंग लाएगी, 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 मेरे नाना की उम्मत हश्र के दिन बख्शी जाएगी, मेरे नाना की उम्मत हश्र के दिन बख्शी जाएगी, मेरे नाना की उम्मत हश्र के दिन बख्शी जाएगी। अली क्या देखते हैं खेमे के अंदर, कोई लर्जाओ खेजा आता है तलवारी लेकर, करीब आया तो देखा अपना ही बीमारे आबिद है, खुदा की शान के बीमार भी उनका मुजाहिद है, कहा ये आके उसने मुझको भी रन की इजाजत दो, शहादत मुझको भी मिल जाए रन में भेज दो मुझको, जवानों और बच्चों ने शहादत जब दिखाई है, खुदा के नाम पर रन में शहादत सबने पाई है, नवाजो हमको भी बाबा मेरे रन की इजाजत से, हमें महरूम क्यों रह जाएं करबल में शहादत से, हम ही महरूम क्यों रह जाएं करबल में शहादत से, ये सुनकर आपने फरदंद को सीने से चिमटाया, कहा बीमार हो बेटे अभी ये वक्त कब आया, करो हिम्मत से सब्रो जब्त तुम ये भूल रहने दो, चमन में फातिमा के एक तो ये फूल रहने दो, सुनो सब्रो रदा की शान दिखला दो जमाने को, हिदायत को रहो बाकी ना जाओ सर कटाने को, भला सब्रो रदा का दर्श देगा कौन दुनिया को, यहाँ के हाल से वाकिफ करेगा कौन दुनिया को, जो गुजरी करबला में बात वो सबको बता देना, जो गुजरी करबला में बात वो सबको बता देना, जो गुजरी करबला में बात वो सबको बता देना, जो गुजरी करबला में बात वो सबको बता देना, मेरा पैगाम सब ईमान वालों को सुना देना, मेरा पैगाम सब ईमान वालों को सुना देना, मेरा पैगाम सब ईमान वालों को सुना देना।
समझा बुझा कर आपने खेमे में बिठलाया, फिर अपनी बहन ज़ैनब से बसद हसरत ये फरमाया, मेरी बीमार सुगरा से यहाँ का हाल मत कहना, समझ भी जाए तो उसको तसल्ली देती ही रहना, किए फिर जेब तन कपड़े सभी मैदान में जाने को, मना फरमाया सबसे आपने आंसू बहाने को, मेरी माँ जाई क्यों रोती है हम जन्नत को जाएंगे, खुशी की बात है नाना की उम्मत बख्शवाएंगे, अली और फातिमा की हर तरह से लाज रह जाए, शहादत पर मेरी शिकवा कोई लब पर नहीं आए, ये कहकर आपने तलवार ली और जुलझना लेकर सवार उस पर हुए एकदम गए मैदान के अंदर, यजीदी अफसरों को और सारे फौज वालों को हिदायत की के देखो मान लो तुम दीन को समझो, किसी ताकत से राहे हक में हरगिज डर नहीं सकता, मैं बैत फासिको फाजिर की हरगिज कर नहीं सकता, खुशी से सर खुदा के नाम पर अपना कटाऊंगा, खुशी से सर खुदा के नाम पर अपना कटाऊंगा, खुशी से सर खुदा के नाम पर अपना कटाऊंगा, खुशी से सर खुदा के नाम पर अपना कटाऊंगा, मगर इस्लाम को दुनिया में मिटने से बचाऊंगा, मगर इस्लाम को दुनिया से मिटने से बचाऊंगा, मगर इस्लाम को दुनिया में मिटने से बचाऊंगा, शहादत का आखिरी बंद मुलाहिदा कीजिए अब हजरत इमाम अली मकाम की शहादत का बयान, गौर से सुनिएगा। ये सुनकर दुश्मनों ने आप पर हमला किया जारी, इधर थे आप तन्हा और उधर एक फौज थी सारी, मगर जब जंग जारी हो गई तो आप भी संभले, उठाई जुल्फिकार अपनी किए तेजी से फिर हमले, बहुत से काम आए और बहुत से रन से फिर भागे, के जैसे दौड़ती हैं भेड़े वन में शेर के आगे, वो लश्कर पार करके पहुंचे जब दरिया के साहिल पर, ताजुब कर रहा था ये शुजात देख कर लश्कर, भरा चुल्लू पानी आपने और देख कर छोड़ा, कहा शुक्रे खुदा जो हौसला हमने नहीं छोड़ा, पिएंगे अब तो पानी खुल्द में नाना के हाथों से, नहीं बहकेंगे हरगिज हम किसी जालिम की बातों से, ये कहकर आ गए दरिया से बाहर और फिर देखा, हजारों कूफियों ने हर तरफ से आपको घेरा, जुमे का दिन था वक्ते जोहर था और जंग होती थी, यजीदी फौज लड़ती थी जिमी उस वक्त रोती थी, हुए जख्मी इमाम आखिर गए सजदे में फरमाया, मेरे मौला तेरी रहमत से मैं भी खुल्द में आया, सरे शब्बीर था सजदे में और गर्दन पे खंजर था, कोई देखे तो ऐसा हौसला सिबते पैंबर था,
बड़ी है शौक अजमत मुस्तफा के नौ निहालों की, बड़ी है शौक अजमत मुस्तफा के नौ निहालों की। जहां में धूम है चारों तरफ जहरा के लालों की, जहां में धूम है चारों तरफ जहरा के लालों की, चारों तरफ सहरा के लालों की, जहां में धूम है चारों तरफ सहरा के लालों की, जहां में धूम है चारों तरफ सहरा के लालों की, जहां में धूम है चारों तरफ सहरा के लालों की, जहां में धूम है चारों।